बकरीद पर हलाल करने के लिए लाए गए बकरे के ऊपर लिखा था रामा, तो हिंदुओं की भावनाएं हुई आहत। उसके बाद पता चला बजरंग दल को, तो पुलिस में गई शिकायत। फिर आगे पुलिस ने की कार्रवाई तो बच गई बकरे की जान। 27 जून को ईद अल अजा थी, यानी कि कुर्बानी की ईद, जिसे आम जुबान पे बकरीद कहते हैं। इस मौके के लिए नई मुंबई का एक व्यक्ति बकरे लाया था, पर जिन बकरों को जिबा करना था उनमें से एक की पीठ पर राम लिखा हुआ था। इसकी तस्वीरें सामने आई तो हिंदू संगठनों ने उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया। अब पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया है और उसकी गोश्त की दुकान को भी सील कर दिया है। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने मुंबई के सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक बकरे पर राम लिखकर आरोपी ने हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया था और उससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी। पुलिस को जांच में पता चला कि कुर्बानी के लिए दुकान पर 22 बकरे लाए गए थे, उन्हीं में से एक के ऊपर राम लिखा हुआ था। फिर पुलिस ने दुकान मालिक सहित कुल 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मोहम्मद शफी शेख, साजिद शफी शेख और कुयाम, इन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और धारा 34 के तहत और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पिछले साल भी बकरीद पर मुंबई में बवाल हुआ था। तब मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक आदमी कुर्बानी के लिए 2 बकरे लेकर आया था। ये बात सोसाइटी में रहने वालों को हजम नहीं हुई, उन्होंने विरोध किया, जय श्री राम के नारे लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका कहना था कि नियम के मुताबिक किसी भी पशु को परिसर के अंदर नहीं लाया जा सकता। उन्होंने मांग की कि जिन बकरों को कुर्बानी के लिए लाया गया है उन्हें बाहर किया जाए, और यह हर बार का काम है कि इस पर कुछ न कुछ विवाद होता ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग सोशल मीडिया पर भी अब तरह तरह की बातें कर रही है, और जिस बकरे पर राम लिखा था तो लोग कह रहे कि देखिए भगवान राम की क्या ताकत है, कि केवल नाम लिखने से ही आज उस बकरे की जान बच गई, वरना आज उसको भी हलाल हो जाना था। और भी न जाने क्या क्या लोग लिख रहे हैं, और लोग सवाल उठा रहे कि आखिरकार क्यों बकरों की बलि चढ़ाई जा रही है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं सही है कि किसी भी पशु की हत्या करना कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन ये बात उनको भी समझनी चाहिए जो लोग बकरीद का तो विरोध करते हैं लेकिन खुद मांसाहारी होते हैं। उन लोगों को भी समझना चाहिए कि वो किस मुंह से विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो शाकाहारी लोग हैं वो विरोध करे तो चलता है, लेकिन ऐसे लोग भी विरोध करते हैं जो खुद मांस खाते हैं, लेकिन बकरीद पर मुसलमानों का विरोध करने के लिए बकरीद का बहिष्कार करते हैं और बकरों की जान की दुहाई मांगते हैं, लेकिन वही लोग बाद में उन्हीं बकरों को खा जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रचलन है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।